going places के effector via going places sun 1972 की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रेट बिलियंट द्वारा शैली के थोड़े तो डिसीज है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेस वाले वाले सेसियस और जिसका अंग्रेजी अनुवाद द वर्ल्ड वाल्टर्स द्वारा होता है जो द द टैक्सिस्ट टैक्सीस्ट क्लस के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो म्यू जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक सेवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक पैड बेट्रेड्स बिलियर ने किया पथकथा बैट्रेट विलर और फिलिप डोब्रके ने आधारित है बैट्रेट बिलियर कार्लेस और बेलिशक्स 1974 का उपन्यास पर उत्पादित किया पो पोल क्लाउड ने अभिनेती है जोराड्स डेप्यूड्यू और मेओ मियो पैट्रिक डेवरे छायांकन है ब्रोनो न्यूटन के संपादित किया कैनोट पेल्टियर के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख है बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय 113 मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अशिलता यौन कृत्यकों के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादास्पद फिल्मों में से एक है हालाँकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठित बना बना फिल्म फिल्म दिया था फिल्म के के एक जोड़ी थोड़े समय भीतर यौन उत्पीड़न कार चोरी अपहरण और बस्कारों के अंजाम देती है और महिला पुरुष दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ बनाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियटो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सेट्रोडा सेड्रेन्स से, डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तानकर इनकार उनका करता है और पर्योड भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटो को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया ही है कल्पना कहते हुए कि वे गुमाउदा सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल उपकार चुरा देख देते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटकों को अपने उन्हों को जुमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियोट निशान रहने से और, और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहाँ वे रहने के लिए अवश्य ग्रह के में अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जिन जिन जन की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीड़ियो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम में वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चुमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहकाया बहकाने की उसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि महिला जेल में कह की कि ये उनक से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से रात्रि भोज करते हैं और कार की सवारी के दौरान ने दोनों को जो में में एक होटल रखते हैं और करते हैं। जब जीन क्लाउड के पीरियड को सो रो रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियडो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्र चार, पत्र के, के माध्यम से देखा जी जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो चीन क्लाउड और पर्यटकों के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहां मेरी इन मेरी इंज इन, इंतजार इन्ज, इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि वह उसके साथ मना चाहिए जब वे मेरी को बहुत सुख भु तक पहुंचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि वह यह कुंवारी जैक्स की कायरता और अजीब अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जेक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है जिन क्लाउड के पर्यटकों को उनका साथ है जैक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के वार्डन में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटो मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों के पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु कार चु... चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंस के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी गो, गो, गो यकीन नहीं है कि वे कि जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्ट फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर ब्ले, द्वारा शैली के तो निर्देश है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले और जिसका अंग्रेजी मनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टैक्सिस्ट टेक, क्लस के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मे जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक सेवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बेट्रेड्स बिलेयर ने किया पथकथा बेटरेड विलर और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज नाइनटीन सेवेंटी फोर का उपन्यास उत्पादित किया पो पोल क्लाउड ने अभिनेती है जोरॉर्ड्स डेब्यूडू और मेओ मेो पैट्रिक टेवरे चाइंकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख है बीस मार्च सन उन्नीस सौ को कार्यक्रम का समय एक सौ तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृतज्ञ के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अप... अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे के लिए बना, फिल्म बना दिया महिला पुरुष दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियटो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सेट्रोडा सेड्रेन्स से, डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तानकर उनका करता है और पर्योड भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटो को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी ऐस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल उपकार चुरा देख कर दे जाते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटक को अपने लोगों को जुमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियट ने शांत रहने से और, और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए के के अवकाश में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जन जिन, की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं और उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीरियडो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम में वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चुमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहकाया बहकाने की उसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कह दी कि ये उनक से मर जाती है वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि भोज करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में युवा चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और जोश जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोर और रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्र पत्र चार के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहां मेरी इन्ज, मेरी इंतजार इन्ज, इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इनको बहुत सुख तक पहुंचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि वे यह गुवारी जैक्स की करता और अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है क्लाउड के को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी जी और जीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों के पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे, चु... कारे, चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से ट्रैक्शन आवंस के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित है और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस ईशौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी गो, गो, गो यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर ब्ले, द्वारा शैली के तो निर्देश है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले से और जिसका अंग्रेजी मनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टेक, क्लास के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मियो जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक सेवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बेटरेड्स बिलेर ने किया पथकथा बेडरेट विलर और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास उत्पादित किया पो पोल क्लाउड ने अभिनेती हैं जोरॉर्ड्स डेब्यूडू और ओ, मेओ मेो पैट्रिक डेवरे छाइंकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी योन के यौन नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है। हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलेयर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठा बना फिल्म बना दिया था फिल्म के अपराधिकों में एक जोड़ी थोड़े समय के भीतर उत्पीड़नकार चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पुरुष दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सिड्रेन्स डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तान कर इनकार उनका इंतजार करता है और पीरियोड पिर, भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटकों को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित प्र, के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया ही है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और यह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी ऐस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल उपकार चुरा देख देते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटक को अपने अपनों को के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियट ने शांत रहने से और, और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए के अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जनकी जिन, जिन, जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीड़ियो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम में वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डी बेच दिया है मेरी इनसे मदद से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चुमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की उसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कैदी की ये उनक से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि बोझ करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में जो चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और जोश हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोर और रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्रचा पत्रचार के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहां मेरी इन, मेरी इंतजार इन्ज, इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि वह उसके साथ हो मना चाहिए जब वे मेरी को बहुत सुख तक पहुंचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते और बाद में वे बताती है कि वे यह गुवारी जैक्स की करता और अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है।, है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो जो उसके जेल के में से एक है है उनका स्वागत करता है। इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब जीन क्लाउड और पर्यटकों के पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु, कारे चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते हुए जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंस के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी गो, गो, गो यकीन नहीं है कि, कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसिस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस सौ चौहत्तर की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर ब्ले, द्वारा शैली के थोड़े तो निर्देश है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी अनुवाद वाल्टर्स द्वारा होता है जो टैक्सिस्ट टेक, क्लस के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मेू जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक्स एवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बेट्रेड्स विलेयर ने किया पथकथा बेडरेट और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेश और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास उत्पादित किया पो पोल क्लाउड ने अभिनेती है जोरॉड्स डेप्यूड्यू और मेो पैट्रिक डेवरे छाइंकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृतज्ञ के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलेयर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठा बना फिल्म बना दिया था फिल्म के अपराधिकों में एक जोड़ी थोड़े समय के भीतर उत्पीड़न कार चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन है जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए से, 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 डी एस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तान कर इनकार ए, उनका इंतजार करता है और पीरियोड पिर, भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटकों को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया ही है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल उपकार चुरा देख देख जाते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को समान करा रही है और उसे पर्यटक को अपने लोगों को जुमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियोट ने शांत रहने से और और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए के के अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जन जिन, की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीरियडियो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम है वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चूमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती है इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की उसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कह दी कि ये अनुभग से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि बोझ करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में जो चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और जोश हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोरो रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक को जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्रचा पत्रचार के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहाँ मेरी इन, मेरी इंज इन्ज, इंतजार इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि मैं उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इंज को बहुत सुख तक पहुँचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि वह यह कुमारी जैक्स की कायरता और अजीब अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगते हैं जिन क्लाउड के को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के वार्डर में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों को पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कार्य चु... कार्य चु... चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी यकीन नहीं है कि वे कि जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सटक के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी है गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस सौ चौहत्तर की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर ब्ले, द्वारा शैली के तो निर्देशित है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो दा, दा टेक, क्लस के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मियो जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक सेवरे शामिल है फिल्म का निर्देशक बैट्रेट्स विलेयर ने किया है पथकथा बेटरेड और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेश और बेलिशक्यूज नाइनटीन सेवेंटी फोर का उपन्यास उत्पादित किया पो, पोल क्लाउडन ने अभिनेती है जोरॉड्स डेप्यूड्यू और मियो मियो पैट्रिक डेवरे छाकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख है बीस मार्च सन उन्नीस सौ को कार्यक्रम का समय एक सौ तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृत्यक्ष के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठित बना फिल्म बना दिया था फिल्म के अपराधिकों में एक जोड़ी थोड़े समय के भीतर उत्पीड़नकार चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सिड्रेन्स डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तान कर इनकार उनका इंतजार करता है और पीरियोड पिर, भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटकों को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी के साथ करने का मौका देते हैं और दूसरी कार से निकलते हुए जीन क्लाउड के, का इलाज करने के लिए करते जो केवल होते तो वह गुस्से में था और मेरी एस कार के द्वारा पूरी तरह से निष्क्रिय और उदासीन थी पर्यटक को डर है कि वे अपने घाव के कारण नपुंसक हो गया और उसने डी एस मालिक को वापस देने से पहले अपने स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल को कार चुरा देख देश जाते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटकों को अपने अपनों को जुमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन इस पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियोट ने शांत रहने से और इसे और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए के के अवकाश में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जनकी जिन, जिन, जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं और उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीरियडियो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम है वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चुमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांध कर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की इसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कह दी कि ये उनभ से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उसके उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि बोझ करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में जो तीनों एक होटल में रखते हैं और को रखते हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को और रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूकों जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्रचा पत्रचार के माध्यम से देखा जी जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहां मेरी इन, मेरी इंज इन्ज, इंतजार इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि मैं उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इंज को बहुत सुख तक पहुँचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि वे यह कुमारी जेक्स की कायरता और अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जेक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है जिन क्लाउड के पर्यटक को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के वार्डर में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों के से को पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी ना रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु, कारे चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते हुए जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को परिवार परिवार के नए डी के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस ईशे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे कुरी है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते और आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस सौ चौहत्तर की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियन द्वारा शैली के तो निर्दचित है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी अनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टैक्सिस्ट टेक, क्लस के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मेू जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक्स एवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बेट्रेड बिलेयर ने किया पथकथा बेटरेट विलर और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास उत्पादित किया पो, पोल क्लाउडन ने अभिनेती हैं जोरॉर्ड डेप्यूड्यू और मियो ओ, मियो पैट्रिक टेवरेज छाकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेपली और रिलीज की तारीख है बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृतज्ञ के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठित बना फिल्म बना दिया था फिल्म के अपराधी को में एक जोड़ी थोड़े समय के भीतर उत्पीड़न कार चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ बनाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सिड्रेन्स डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तान कर इनकार ए, उनका इंतजार करता है और पीरियोड पिर, भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पिरेटो को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी एच के साथ करने का मौका देते हैं और दूसरी कार से निकलते हुए जीन क्लाउड के घाव का इलाज करने के लिए मजबूर करते हैं जो केवल होते हैं और डॉक्टर से पैसे चुरा लेते और भाग जाते हैं मैकेनिक के पास वापस आए तो वह गुस्से में था और मेरी एस कार के द्वारा पूरी तरह से निष्क्रिय और उदासीन थी पर्यटकों को डर है कि वे अपने घाव के कारण नपुंसक हो गया और उसने डी एस को मालिक को वापस देने से पहले अपने स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया ही है कल्पना करते हुए कि वे गुमाउदा सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल को कार चुरा देश कर जाते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को समान करा रही है और उसे पर्यटक को अपने लोगों गौ जमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियोट ने शांत रहने से और, और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए के अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जन जिन, की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं और उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीरियड टू इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम है वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चूमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांध कर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की इसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कह दी कि ए उन ये से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उसके उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि बोझ करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में जो चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और जोशते हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोरो रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्रचा पत्रचार के माध्यम से देखा जी जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहां मेरी इन, मेरी इंतजार इन्ज, इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इनको बहुत सुख तक पहुंचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते और बाद में वे बताती है कि वह यह कुंवारी जैक्स की करता और अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जेक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लुटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है जिन क्लाउड के पर्यटक को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के वार्डर में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों को, को पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु, कारे चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते हुए जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित्सा और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है। और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी गो, गो यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर द्वारा शैली के तो निर्देशित है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टेक, क्लास के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मियो जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक एवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बैट्रेट्स विलेयर ने किया है पथकथा बेटरेट और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास उत्पादित किया पो, पोल क्लाउडन ने अभिनेती हैं जोरॉर्ड डेप्यूड्यू और मेो पैट्रिक टेवरे छायाकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृतज्ञ के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठित बना फिल्म बना दिया था फिल्म के आपराधिकों में एक जोड़ी थोड़े समय के भीतर चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी मदद करते हैं कथान जीन क्लाउड और पिरेटो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सिड्रेन्स डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तानकर इनकार ए, उनका तैयार करता है और फिर भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पिरियोट को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित प्र, के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया है कल्पना करते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वे योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल को कार चुरा देख जाते हैं और वे ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को समान करा रही है और उसे पर्यटक को अपने उन्हें गौ जमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन इस पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियोट ने शांत रहने से और इसे और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए आवश्यक गृह के अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जिन जिन जन की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सूंघा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं और उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम है वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है इनसे मतलब से वे सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चुमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की इसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कैदी दी कि ए उन बॉक्स से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि भोज करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में युवा चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और करते हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोरो रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर में कर, कर ली। लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्र पत्रचार के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहाँ मेरी इंज इन, मेरी इन्ज, इंतज इन्ज, इंतजार कर रही थी और सुझाव दिया कि वह उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इनको सुख तक पहुँचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि यह कुरी जैक्स की कायरता और अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है जीन क्लाउड के को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के वार्डर में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और जीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों को पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारें चु... कारें चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को परिवार परिवार के नए डी एस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ा वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस ईशे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी उन्हों यकीन नहीं है कि वे जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते और आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियन द्वारा शैली के तौर बि तो निर्देशित है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी अनुवाद दाल्ट द्वारा होता है जो टेक, क्लास के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मियो, मियो जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक्स एवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बैट्रेड्स बिलेर ने किया पथकथा बेटरेड विलर और फिलिप रखे ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास उत्पादित किया पो, पोल क्लाउडन ने अभिनेती हैं जोरॉर्ड डेप्यूडो और मेो पैट्रिक टेवरेज कर है ब्रोनो न्यूटेन का संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेपली और रिलीज की तारीख बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृत के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादास्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे फिल्म बना दिया महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सिड्रेन्स डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर, लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तानकर इनकार उनका इंतजार करता है और पीओ पिर, भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटों को लेने के बाद वे चोरी हुए डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया यह है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल उपकार चुराल देख देख जाते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटकों को अपने उन्हें गौ जमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन इस पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियोट ने शांत रहने से और इसे और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए अब के अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जन जिन, की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सूंघा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं और उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम है वह फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरे इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चुमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की इसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कैदी की कि ये बॉक्स से मर जाती है वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि भोज करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में युवा जो चिन्ह तीनों एक होटल में रुकते हैं और जोशपुर हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोरो रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्र पत्र चार के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गई जहाँ इंतजार कर रही थी और सुझाव दिया कि वह उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इनको सुख तक पहुँचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि यह कुमारी जैक्स की कायरता और अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है जिन क्लाउड के को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के वार्डन में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर त्य रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और के पर्यटक को पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी ना रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु... कारें चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे कुरी है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी गो, गो, गो यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर द्वारा शैली के तो निर्देशित है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी अनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टेक, क्लास के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मे जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक्स एवरेज शामिल हैं फिल्म का ने निदेशक बेटरेड्स बिलेर ने किया पथकथा बेटरेट विलर और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिश्यूज नाइनटीन सेवेंटी फोर का उपन्यास उत्पादित किया पो, पोल क्लाउड ने अभिनेती हैं जोरॉर्ड डेप्यूडो और मियो, औ, मियो, पैट्रिक टेवरे छायाकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख बीस मार्च सन उन्नीस सौ को कार्यक्रम का समय एक सौ तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लता यौन कृत्यक्ष के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठित बना बना फिल्म फिल्म दिया था फिल्म के के अपराधी को में एक जोड़ी थोड़े समय भीतर यौन उत्पीड़न कार चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ बनाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी मदद करते हैं कथा जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सेट्रोडा सेड्रेन्स से, डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तानकर इनकार उनका करता है और पर्योट भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटो को लेने के बाद वे चोरी हुए डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया यह है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वे योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल कार चुरा देख देख जाते हैं और वे ट्रेन क्राउसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है और उसे पर्यटकों को अपने लोगों को अपने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है प्रियेट की शिकायत से वे सेक्स इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुडभेद के बाद जीन क्लाउड और प्रियोट ने शांत रहने से और और निर्जन 30 रीस्टार्ट रिस्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए अब के के अवकाश में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जनकी जिन, जिन, जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं और उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीरियडियो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम है वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चुमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की इसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कैदी से उन जाती है वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सी रात्रि भोज करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश जो में जो चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और जोश रखते हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को शोर और रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्र पत्र चार के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गई जहाँ इंतजार कर रही थी और सुझाव दिया कि वह उसके साथ ही जब वे मेरी इनको सुख तक पहुँचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि यह कुमारी जैक्स की कायरता और अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है जिन क्लाउड के को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के वार्डर में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पिरेटों के पर्यटक को पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी ना रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु, कारे चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित्सा और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे कुरी है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी उन्हों यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी है गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस सौ चौहत्तर की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर द्वारा शैली के तो निर्देशित है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेसियस और जिसका अंग्रेजी मनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टैक्सिस्ट टेक, क्लस के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मे जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक सेवरे शामिल है फिल्म का निर्देशक बेट्रेड बिलेयर ने किया पथकथा बेटरेट विलर और फिलिप रखे ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास पर उत्पादित किया पो पोल क्लाउडन ने अभिनेती हैं जोरॉर्ड्स डेप्यूड्यू और मेओ मियो, मियो पैट्रिक डेवरे छाइकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख है बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठित बना बना फिल्म फिल्म दिया था फिल्म के के एक जोड़ी थोड़े समय भीतर यौन उत्पीड़न कार चोरी अपहरण और बस्कारों के अंजाम देती है और महिला पुरुष दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ बनाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियटो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सेट्रोडा सेड्रेन्स से, डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तानकर इनकार उनका करता है और पर्योड भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटो को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित प्र, के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया ही है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल उपकार चुरा देख देते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटकों को अपने उन्हों को जुमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियोट निशान शांत रहने से और, और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहाँ वे रहने के लिए अवश्य ग्रह के में अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जिन जिन जन की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीरियड पीड़ियो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम में वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चुमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहकाया बहकाने की उसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि महिला जेल में कह दी कि ये उनक से मर जाती है वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि भोज करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में जो चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और करते हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को सो रो रहे होते हैं तो जिन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जिन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्र पत्र चार के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए मेरी जहाँ मेरी इंतजार कर रही थी और सुझाव दिया कि उसके साथ मना चाहिए जब वे मेरी बहुत तक पहुँचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि वे यह कुंवारी जैक्स की कायरता और अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है जिन क्लाउड के को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के वार्डन में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों के पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु कार चु... चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित है और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी गो, गो, गो यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान सो उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियन ब्ले, द्वारा शैली के तो निर्देश है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले से और जिसका अंग्रेजी अनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टैक्सिस्ट टेक, क्लस के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मेू जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक सेवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बेट्रेड्स बिलेयर ने किया पथकथा बेटरेड विलर और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज नाइनटीन सेवेंटी फोर का उपन्यास उत्पादित किया पो पोल क्लाउड ने अभिनेती है जोरॉर्ड्स डेब्यूडू और मेओ मेो पैट्रिक डेवरे चाइंकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख बीस मार्च सन उन्नीस सौ को कार्यक्रम का समय एक सौ तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृतज्ञ के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा बना, ने फिल्म बना दिया महिला पुरुष दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियटो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सेट्रोडा सेड्रेन्स से, डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तान कर इनकार उनका इंतजार करता है और पिर, पिरियोड भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पिरेटो को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित प्र, के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी ऐस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल उपकार चुरा देख कर दे जाते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटक को अपने लोगों को जुमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियट ने शांत रहने से और, और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए अवश्य ग्रह के में अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जन जिन जन की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सूंघा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं और उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीड़ियो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम में वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चूमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहकाया बहकाने की उसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कह दी कि ये उनक से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सी रात्रि भोज करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में जो चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और जोश जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोर और रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्र पत्र के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहाँ मेरी इन, मेरी इंज इन्ज, इंतजार इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इनको बहुत सुख तक पहुँचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि वे यह गुवारी जैक्स की कायरता और अजीब अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है क्लाउड के को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी जी और जीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों के पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे, चु... कारे, चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए से शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंस के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित है और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस ईशौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी गो, गो, गो यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर ब्ले, द्वारा शैली के तो निर्देश है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले से और जिसका अंग्रेजी मनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टेक, क्लास के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मियो जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक सेवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बेटरेड्स बिलेर ने किया पथकथा बेडरेड विलर और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास उत्पादित किया पो पोल क्लाउड ने अभिनेती हैं जोरॉर्ड्स डेब्यूडू और मेओ मेो पैट्रिक डेवरे छाइंकन है ब्रोनो न्यूटेन शंपादित के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृतज्ञों के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठा बना फिल्म बना दिया था फिल्म के अपराधिकों में एक जोड़ी थोड़े समय के भीतर उत्पीड़नकार चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पुरुष दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सिड्रेन्स डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तान कर इनकार उनका इंतजार करता है और फिर पीरियोड भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटकों को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया ही है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल कार चुरा देख दे जाते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटकों को अपने अपनों को के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियट ने शांत रहने से और, और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए अवश्य ग्रह के में अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जन जिन जन की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का इस स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं और उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीड़ियो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम में वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती, वे करती है और वे चुमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की उसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कैदी की ये उनक से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि बोझ करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में जो चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और जोश करते हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोर और रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्रचा पत्रचार के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहां मेरी इन्ज, मेरी इंतजार इन्ज, इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि वह उसके साथ हो मना चाहिए जब वे मेरी को बहुत सुख तक पहुंचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते और बाद में वे बताती है कि वे यह गुवारी जैक्स की करता और अजीब अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है, है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो जो उसके जेल के में से एक है है उनका स्वागत करता है। इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब जीन क्लाउड और पर्यटकों के पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु, कारे चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते हुए जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए से शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंस के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे कुआरी है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी, उनकी यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सटक के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर ब्ले, द्वारा शैली के थोड़िचित तो है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी अनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टैक्सिस्ट टेक, क्लस के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो म्यू जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक्स एवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बेट्रेड्स विलेयर ने किया है पथकथा बेडरेट और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेश और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास उत्पादित किया पो पोल क्लाउड ने अभिनेती है जोरॉड्स डेप्यूड्यू और मे पैट्रिक डेवरे छाइंकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृतज्ञ के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे फिल्म बना दिया महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए से, 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 डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तान कर इनकार ए, उनका इंतजार करता है और फिर पीरियोड भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पीरियटो को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया ही है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल उपकार चुरा देख कर दे जाते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटक को अपने लोगों को अपने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है फिर की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियड ने शांत रहने से और उसे और निर्जन टटीयर रीस्टार्ट रिस्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए अब के अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जन, जन जनकी जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान इसन, सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीरियडो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम में वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चूमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांधकर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की इसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि महिला जेल में कह दी कि ये उन उनभ से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि भोज करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में जो, जो चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और जोश हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोर और रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर, कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदू को जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्रचा पत्रचार के माध्यम से देखा जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहां मेरी इन, मेरी इंज इन्ज, इंतजार इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि मैं उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इनको बहुत सुख तक पहुँचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि वे यह कुमारी जैक्स की कायरता और अजीब अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को

इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों के पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी न रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु, कारे चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी यकीन नहीं है कि वे कि जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सटक के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस सौ चौहत्तर की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर द्वारा शैली के थोड़े तो निर्देशित है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी में अनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टेक, क्लास के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मियो, मियो जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक सेवरे शामिल है फिल्म का निर्देशक बैट्रेट्स विलेयर ने किया पथकथा बेटरेड और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेश और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास उत्पादित किया पो पोल क्लाउडन ने अभिनेती हैं जोरॉड्स डेप्यूडो और मेो पैट्रिक डेवरे छाकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेपली और रिलीज की तारीख है बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृत्यक्ष के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादास्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए ब्लेयर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठित बना फिल्म बना दिया था फिल्म के अपराधिकों में एक जोड़ी थोड़े समय के भीतर उत्पीड़न कार चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तान कर इनकार उनका इंतजार करता है और पीरियोड पिर, भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटकों को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वह योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल कार चुरा देख कर दे जाते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को पान करा रही है और उसे पर्यटक को अपने लोगों को जुमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन इस पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियोट ने शांत रहने से और, और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहाँ वे रहने के लिए अब शग्रे के के अवकाश में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जन जिन, की जैकलिन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं और उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीरियडो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम है वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चूमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांध कर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की इसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कह दी कि ये उनभ से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया है और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उसके उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि बोझ करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में जो तीनों एक होटल में रखते हैं और जोश करते हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को शोर और रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते हैं और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्र चा, पत्रचार के माध्यम से देखा जी जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहां मेरी इन, मेरी इंज इन्ज, इंतजार इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि मैं उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इंज को बहुत सुख तक पहुँचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि वे यह कुमारी जैक्स की कायरता और अजीब अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जैक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को

इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब जीन क्लाउड और पिरेटो के से को पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी ना रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु, कारे चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते हुए जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को तो परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस ईशे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे कुरी है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी, उनकी यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के और भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस सौ चौहत्तर की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर ब्ले, द्वारा शैली के तो निर्देशित है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी अनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टैक्सिस्ट टेक, क्लस के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो म्यू जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक्स एवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बेट्रेड बिलेयर ने किया पथकथा बेटरेट विलर और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास पर उत्पादित किया पो, पोल क्लाउडन ने अभिनेती हैं जोरॉर्ड डेप्यूड्यू और मियो ओ, मियो पैट्रिक डेवरे छायान है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेपली और रिलीज की तारीख है बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृतज्ञ के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठित बना फिल्म बना दिया था फिल्म के अपराधी को में एक जोड़ी थोड़े समय के भीतर उत्पीड़न कार चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ बनाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी की मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियटो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए से इसे, से चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर, लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तान तो कर इनकार ए, उनका इंतजार करता है और पीरियोड पिर, भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पर्यटकों को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का, एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी

स्टेयरिंग को तोड़फोड़ करने का सुझाव दिया ही है कल्पना कहते हुए कि वे घुमावदार सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो गया और वे योजना पर अमल करते हैं कि मेरी एस को जाने देते हो लेकिन अप उसका पता मिलने से पहले ही चीन क्लाउड के पर्यटक स्थानीय लोगों को साइकिल को कार चुरा देख देते हैं और वह ट्रेन क्रॉसिंग पर रुक पड़ता है और पुलिस को आते हुए देखते हुए अपनी कार छोड़कर लगभग खाली ट्रेन में घुस जाता है और उसका सामना एक युवा महिला से होता है जो अपने बच्चे को समान करा रही है और उसे पर्यटक को अपने लोगों गौ जमने के लिए मजबूर करती है इसने तीनों मन बनाते हुए इससे पहले कि महिला को पता चले कि उसे स्टेशन पर ट्रेन छोड़नी है जहां उसका पति इंतजार कर रहा है पर्यटक की शिकायत से वे से इरेक्शन पाने में सक्षम नहीं है और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की मुठभेड़ के बाद जीन क्लाउड और पीरियोट ने शांत रहने से और, और निर्जन तटीय रिस्ट रिस्टार्ट में ले जाने के से फैसला किया जहां वे रहने के लिए अब के अवकाश ग्रह में घुस गए उन्होंने देखा कि तीन तीन लोगों के परिवार का एक जन जिन, की जैकलीन नाम की एक बेटी है जैकलीन का स्नान सूट पहने मिलने के बाद उन्होंने उसे खुशी से सोंगा और अनुमान लगाया कि वे लगभग सोलह साल की होगी और वे मेरी एनजी के पास लौटते हैं उसे उन दोनों के साथ बनाने के लिए मजबूर करते हैं पीरियो इस बात में इरेक्शन पाने की सक्षम है वे फिर से पूरी तरह से निष्क्रिय दोनों को निराश कर रही है और उन्हें बताती है कि कार मालिक ने अपना क्षतिग्रस्त डीएस बेच दिया है मेरी इनसे मदद मतलब से वे हेयर सैलून में घुस जाते हैं जहाँ वह काम करती है और वे चूमने का अनुरोध करती है और चिल्लाने लगती है और वे चीजें फेंकने लगती है और वे उसके पैर पर गोली मार देते हैं और उसे सैलून में एक कुर्सी में बांध कर छोड़ देती हैं इसके बाद जब युवा महिला को बहका बहकाने की इसकी योजना विफल हो जाती है तो जीन क्लाउड सुझाव देता है कि और महिला जेल में कह दी कि ये बॉक्स से मर जाती है और वे जेल में प्रवेश का प्रतीक्षा करते हुए देखते हुए कि जीन को रिहा कर दिया गया और उसका पीछा करते हुए उसकी मदद करने का सुझाव देते हैं जिससे जीन भ्रमित हो जाती है और हार मानने से पहले कई बार मना कर देती है जब वे सड़क के किनारे बहस कर रहे थे तो, तो जीन क्लाउड अपनी बंदूक से एक ड्राइवर को डरा देती है जिससे जीन खुश हो जाती है और जीन क्लाउड ने उसी अपनी बंदूक सौंपते हुए कहा है कि वे उन पर भरोसा कर सकती है जो वे उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए पैसे देते हैं समुद्र तट पर लाते समय उस, उसके साथ भव्य से सिर्फ रात्रि भोज करते हैं और कार की सवारी के दौरान जीन ने दोनों को जोश में युवा जो चिन्ह तीनों एक होटल में रखते हैं और जोशते हैं जब जीन क्लाउड के पीरियड को सोरो रहे होते हैं तो जीन को खुद को कमरे कमर में गोली मारकर आत्महत्या कर, कर ली लीन क्लाउड और पीरियोटो बंदूक और जीन का सामान ले जाते और होटल से भाग जाते हैं उसके सामान की जांच करते समय उन्होंने उसके पत्रचा पत्रचार के माध्यम से देखा जी जैक्स का नाम एक बेटा था जो जेल में है कई सप्ताह बाद उसे रिहा किया गया तो जीन क्लाउड और पीरियटो के उसके बाद बताया कि जीन ने उनसे उसकी मदद करने के लिए कहा था क्योंकि पुर्तगाल में वे उसे एक झोपड़ी में ले गए जहां मेरी इन, मेरी इंतजार इन्ज, इन्ज, कर रही थी और सुझाव दिया कि उसके साथ ही मना चाहिए जब वे मेरी इनको बहुत सुख तक पहुंचाते हुए सुनते हैं कि परेशान हो जाते हैं और बाद में वे बताती है कि वह यह कुंवारी जैक्स की करता और अजीबता थी जिसने उसे उत्तेजित किया बाद में जेक्स और बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने का सुझाव देता है और ऐसा करने के लिए उनकी बंदूक मांगता है जिन क्लाउड के पर्यटक को उनका साथ है जेक्स एक घर में घंटी बजाता है जो उसके जेल के वार्डर में से एक है जो उनका स्वागत करता है इससे पहले कि वह बंदूक देखता है जेक्स उसके सिर पर तेतान रहा है जेक्स ने वार्डन को गोली मार दी और चीन क्लाउड और पर्यटक मेरी एंस के साथ भाग गए और एक कार चुराने के बाद मेरी एंस ने गाड़ी चलाते समय उनके उनमें से प्रत्येक के साथ इसका भरपूर आनंद ले रही थी जब चीन क्लाउड और पर्यटकों को पता चलता है कि हत्या के लिए वंचित है वे मेरी इसको छोड़ना चाहते हैं ताकि वे अपराध से जुड़ी ना रहे लेकिन उसने इनकार कर दिया इसलिए तीनों सड़क पर चलते और कारे चु, कारे चु... कारे चुराते और लंबी पैदल यात्रा करने की कोशिश करते हुए जब उनका सामना ग्रामीण इलाकों में एक परिवार से होता है तब तो वे उन्हें अपने पुराने चुराए गए शिट्रोन से अट्रैक्शन आवंत के को परिवार परिवार के नए डीएस के बदलने के लिए बदलने की मजबूर करते हैं जो तोड़फोड़ वाले सामान से परिवार को बेटी स्थिति के चिकित्सा और सुझाव देती है कि उनके माता पिता इस सौदे से स्वीकार कर ले कि उसके पिता उसे मारते हैं और वह टूट जाती है। और तीनों में से अपने साथ ले जाने की विनती करती है वे जो वे करते तब उन्हें पता चलता है कि अभी भी वे है और उन्हें उसे अपवित कर दिया जाहिर यही तौर पर उसकी सहमति के बिना उन्होंने ध्यान दिया कि उसका नाम जकलीन है जब उन्होंने उनकी उन्हों यकीन नहीं है कि वे कि यकीन जकलीन है जिन जिसका स्नान छोड़ उन्हें अवकाश ग्रहण में मिला बाद में वे उन्हें सड़क के किनारे छोड़ देते और बढ़ते आगे बढ़ जाते हैं गोइंग प्लेसेस मूवी के फैक्टोर भी गोइंग प्लेसेस सन उन्नीस सौ चौहत्तर की फ्रांसीसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो ब्रिटेन बिलियर द्वारा शैली के तो निर्देश है और उसने अपने उपन्यास पर आधारित है इसका मूल शीर्षक लेंस वाले वाले सेस्यूस और जिसका अंग्रेजी अनुवाद वाल्ट, वाल्टर्स द्वारा होता है जो टेक, क्लास के लिए एक असिस्ट फ्रेंच कटबोली शब्द है इसमें मेो मियो जोराइड डेपार्डियो और पेट्रिक एवरेज शामिल है फिल्म का निर्देशक बेट्रेड्स विलेयर ने किया है पथकथा बेटरेट और फिलिप डोबरके ने आधारित है बैटरेड बिलियर कार्लेस और बेलिशक्यूज 1974 का उपन्यास उत्पादित किया पो, पोल क्लाउडन ने अभिनेती हैं जोरॉर्ड डेप्यूड्यू और मेो पैट्रिक डेवरे छायाकन है ब्रोनो न्यूटेन के संपादित किया कैनोट पैल्टियर्स के संगीत है स्टीफन ग्रेबली और रिलीज की तारीख बीस मार्च सन उन्नीस को कार्यक्रम का समय एक तेरह मिनट देश फ्रांस और भाषा फ्रेंच थी यह अपनी अश्लीलता यौन कृतज्ञ के चित्र नग्नता और अनैतिकता के कारण फ्रांसीसी सिनेमा की सबसे विवादस्पद फिल्मों में से एक है हालांकि बाद में अब अपनी बाकी फिल्मोग्राफी के लिए बिलियर की प्रशंसा ने इसे आधुनिक आलोचकों के लिए प्रतिष्ठित बना फिल्म बना दिया था फिल्म के आपराधिकों में एक जोड़ी थोड़े समय के भीतर भीतरकार चोरी अपहरण और बलात्कारों के अंजाम देती है और महिला पूर्व दोषी के साथ सहमति से त्रिगुट के बाद वह एक आत्महत्या कर लेती है तो वे आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वे छोटे छोटे बेटे जो एक पूर्व दोषी भी के साथ नाते हुए निर्णय पाए गए अनजाने में बदले की हत्या के लिए अपने सहयोगी मदद करते हैं कथन जीन क्लाउड और पीरियडो एक वृद्ध महिला को परेशान करते हुए उसका यौन करते हुए उसका पर्स चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं उस अपने अपना पीछा करने वालों से बचने के बाद पर्स लूट लेती है जिस लेकिन पैसे न मिलने पर निराश हो जाते हैं और वे आनंद की सवारी के लिए सिड्रेन्स डीएस चुराते हैं और वे रात में उसे वापस कर लेते हैं वे मालिक अपनी बंदूक तानकर इनकार उनका तैयार करता है और फिर भाग जाता है लेकिन उसकी कमर में गोली लग जाती है जीन क्लाउड्स ने मालिक पर कब्जा कर लिया और बंदूक और कार चुरा ली और जिस महिला के साथ मालिक था उसका अपहरण भी कर लिया और पिरियोट को लेने के बाद वे चोरी हुई डीएस को दूसरी कार में बदलने के लिए अपने परिचित के का एक कार मैकेनिक के पास जाते और मैकेनिक को मेरी एच के साथ करने का मौका देते हैं और दूसरी कार से निकलते हुए जीन क्लाउड के प्रियटो बंदूक को नोक पर एक डॉक्टर को प्रियटो के घाव का इलाज करने के लिए मजबूर करते हैं जो केवल शत ही होते हैं और डॉक्टर से पैसे चुरा लेते और भाग जाते हैं जब वे मैकेनिक के पास वापस आए तो वे गुस्से में था और मेरी एस कार के द्वारा पूरी तरह से निष्क्रिय और उदासीन थी प्रियटो को डर है कि